आप पीछे मेरे देख ही सकते हैं कितने बड़े बड़े आपको खेत दिखाई दे रहे हैं। गांव के लोग कैसे खेती में काम कर रहे हैं। गांव में इस तरह से बहुत गहरा सा कुआं होता है। ये देखो गांव की गली के कैसे छोटे रास्ते होते हैं। छापरा दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है दीमन सोनी और जो वो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है ना, उसे ईडर का गढ़ कहते हैं और ये ईडर का गढ़ मेरे गांव का नाम है। तो आज मैं आपको पूरी गांव की लाइफ बताने वाला हूँ कि गांव की लाइफ में कैसे जीते हैं और उसका क्या नजारा होता है। तो अभी तक आपको जो हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करके दबा सकते हैं। बाहर दिख ही रहा होगा बड़ा सा, ये मेरा गांव है। अभी मैं सबसे ऊपर के फ्लोर में आया हूँ और यहाँ से कितना कमाल का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा व्यू आपको कभी शहर में देखने को मिल ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी गारंटी के साथ बताता हूँ। ये देखिए पीछे बुरा का सीन, कितना कमाल का आपको व्यू देखने को मिल रहा है। गांव की ज़िंदगी में एक ख़ास बात तो है जो आपको कभी शहर में देखने को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एक तो हवा मिलती है और पूरा आसमान देखने को मिलता है जो शहर में आपने को देखने को कभी मिल ही नहीं सकता। शहर में तो सभी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं और उसकी वजह से हमें आसमान भी पूरा देखने को मिलता ही नहीं है। और यहाँ गाँव पर आके तो इतना फूला आसमान देख के तो मेरा तो मन मज़ा आ गया। ये जो आपको अभी ये टेरेस दिख रहा है ना, अभी मैं वहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रहा था और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना कमाल का आपको देखने को व्यू मिलता है, एकदम खुला आसमान। और यहाँ पे गांव के घर पे यहाँ पे कोई टेरेस पे चढ़ने की कोई सीढ़ियाँ नहीं होती, इसलिए हम इस पत्थरे से नीचे उतर के हम नीचे जाएंगे। ये देखो हम पत्थरे से उतर के नीचे जा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसे। ये देखो ऐसे पत्थरे से नीचे उतर दे। और ऐसे बंदरों की तरह चढ़ के नीचे उतरना पड़ता है। ये देखो गांव की गली के कैसे छोटे रास्ते होते हैं।
इतने छोटे रास्ते होते हैं गांव के। और ये जो आपको ये जो पूरा छापरा दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। मैं आपको अपना घर तभी बताऊंगा जब आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको पता चले कि गांव की लाइफ कैसी होती है। सो गाइस, नहा धो के हो गए हैं एकदम रेडी। ये देखो, यहाँ पे इस बंदे से मैं रोज मिलता हूँ अपने गांव में आके। ये देखो, इसका ये पीपूड़ा है। तो इस ऐसी होती है लाइफ। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रुचि है और हम इसे प्यार से विक्की भी बुलाते हैं। ये बुढ़िया क्या बोला तूने? तो गाइस, कल मैं शूट कर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आज शाम को शूट कर रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, कितने बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं। आप गांव में तो ज़्यादातर खेत ही आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, कितने बड़े बड़े आपको खेत दिखने को मिल रहे हैं। इस खेत को देखने खेत को आपको देखने में कितना मज़ा आ रहा है। ऐसे खेत आपको शहर में देखने को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि शहर में तो इतनी जगहें कहाँ खाली होती है कि हम खेत भी देख सकें। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे। ये देखिए, गांव के लोग कैसे खेती में काम कर रहे हैं शाम को भी। ये देखिए, आपको बहुत सारे लोग खेतों में काम करते हुए दिख रहे होंगे। ये देखिए, गांव में इस तरह से बहुत गहरा सा कुआं होता है, इतना गहरा होता है ये कुआं गांव में। ये देखिए कितना बहुत बड़ा है बाहर से दिखने में भी। चाहते हैं कि मैं इस गांव का दूसरा पार्ट बनाऊं, कि मेरा घर कैसा है, अंदर से कैसे दिखता है, तो आप मुझे कमेंट करें कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लाऊं। तो गाइस, ये थी कुछ गांव की वाइब्स जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई, कैसा पूरा सीन होता है, कैसे लोग खेतों में काम करते हैं और कैसा माहौल होता है गाँव का। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह से मैं और भी व्लॉग्स बनाता रहूँगा और आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले और एक बेहतरीन व्लॉग में।